गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आ की मात्रा फिर से पढ़ने का अभ्यास करेंगे और आ की मात्रा लगाकर शब्द पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। बेटा, ये पुनः अभ्यास आपको बार बार करना है जिससे आपको पढ़ने में कोई गलती ना हो और सही उच्चारण कर सकें। आ की मात्रा आपको लगानी आ गई होगी जब हम कोई भी एक वर्ण लेके उसके आगे आ की मात्रा लगाते हैं और फिर उसका उच्चारण हम आ ऐसे बोलते हैं। जैसे तबला, टमाटर, कान, गाल, लड़का, पाठशाला, जाल, गमला, सजावट, बाल, सरला, बनावट, पान, पहाड़, पतवार, कान, अनार, सरकार। आपको इन शब्दों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है और आप इनको अपनी कॉपी में लिख के फिर अपनी राइटिंग भी सुधारने का प्रयास करेंगे। अब हम इसका पाठ पढ़ेंगे, आओ पढ़ना सीखे। लाल लाल गाजर खा, कमल गाना गा, अमन गया चावल लाया, राजा आराम कर, छाताला पालक खा, शबनम माला पहन, सपना ताला लगा, लता पाठशाला जा, राजन बाजा बजा, टमाटर खा, गमला उठा। ऐसे आपको इस पाठ को भी बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है और जो कठिन शब्द है उनको एक तरफ लिख के बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और आपको बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़ना है और ये आ की मात्रा वाले शब्दों को भी पढ़ने का अभ्यास करना है। इसके बाद हम आ की मात्रा की एक्सरसाइज करेंगे। हम आ की मात्रा वाला वर्ण और बिना मात्रा वाला वर्ण इसको जोड़ेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है, मिलाकर लिखिए। जैसे ना प्लस क, नाक, हा प्लस र, हार, का प्लस र, कार, का प्लस न, कान। तो आपको ऐसे आ की मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले या दो आ की मात्रा वाले जैसे मामा, चाचा या गाना, ऐसे शब्दों को जोड़कर भी बना सकते हैं। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है मिलाकर लिखिए, मिलान कीजिए। ये आपको चित्रों का शब्दों से मिलान करना है। चित्र कौन कौन से हैं? जहाज, तबला, बाजा, तारा। आपको इनके छोटे छोटे चित्र बनाना है और फिर उनको सही शब्दों से मिलाना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको चित्रों को पहले पहचानना है, फिर उस शब्द को लिखना है, फिर वाक्य को पूरा करके पढ़ना है। पहला चित्र किस चीज़ का बना हुआ है? छाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो खाली स्थान बना हुआ है इसमें लिखेंगे छाता। अब हमारा पूरा वाक्य क्या बन गया? अमन छाता ला। ऐसे जो दूसरा नंबर का है उसमें है नाव, तो हम यहाँ पे नाव लिखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, राम नाव पर चढ़। फिर तीसरा चित्र है ताला, तो हम यहाँ पे पहले ताला लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, आकाश ताला लगा। चौथे नंबर पे अनार, पहले लिखेंगे खाली स्थान में
फिर पूरा वाक्य पढ़ेंगे, अनार उधर इधर रख। अब हमारा क्या बना पहला सेंटेंस, अमन छाता ला, राम नाव पर चढ़, आकाश ताला लगा, अनार इधर रख। ये भी आपको चित्र जो है बहुत छोटे छोटे बनाना है और इन चित्रों के आगे इनके नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको इन तीनों एक्सरसाइजेस को करना है, मिलाकर लिखिए, मिलान कीजिए, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए और आखी मात्रा वाला पाठ पढ़ने का अभ्यास करना है। तो बार बार आपको पढ़ने की कोशिश भी करना है और एक्सरसाइजेस का भी अभ्यास करना है। प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।